ये है डिस्ट्रिक्ट मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि के लिए पूरी दुनिया में मशहूर। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ हाल ही में कई योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया है। कन्या विद्याधन योजना से 12वीं कक्षा पास कर चुकी गरीब परिवार की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए 30,000 रुपए प्रावधान हुए, जिसका लाभ 19,000 लड़कियों को मिला। इंटर पास करने के बाद मुझे कन्या विद्याधन योजना से 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में आगे की पढ़ाई के लिए मिले। ये पैसे नहीं मिल पाते, शायद मैं पढ़ नहीं पाती। कृषि बीमा योजना के तहत फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए, गरीब किसानों को बारिश में ओलों से हुई क्षति से उभरने के लिए आर्थिक मुआवजा मुहैया कराया गया। जब ओला पड़ गया तो सभी किसान भाइयों को हमारे मथुरा क्षेत्र में सभी को 9,000 रुपया मिला, तो वो भी काम में आए। किसी ने गेहूं खरीद लिए, किसी ने घर के खर्चे में ले लिए, तो उससे थोड़ी राहत मिली। गोवर्धन में बढ़ते ट्रैफिक की समस्या के लिए 12 किलोमीटर लंबे गोवर्धन बाईपास से शहर वासियों को ट्रकों और बड़े ट्रैफिक से राहत मिलेगी। बारिश की कमी और बिजली की समस्या में खेतों की सिंचाई के लिए किसानों को सोलर पावर पंप 75% मुनाफे पर प्रदान किए गए, जिससे मिलता है रोज 8 घंटे तक निशुल्क पानी का सप्लाई। इसके लिए किसान को कोई लागत नहीं देनी पड़ती है। धूप होती है तो हमको इससे पानी पूरा मिलता है। ये जो है प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग, सदुपयोग है। वृंदावन से राधा कुंड तक 10 किलोमीटर के रास्ते के नवीकरण से शहर वासियों को समय की बचत और आवाजाही में सहूलियत हुई। जिले के धार्मिक और पौराणिक महत्वता को बनाए रखने के लिए सरकार ने अनेक धार्मिक कुंडों का नवीनीकरण किया और साथ ही परिक्रमा पाथ निर्माण आदि कार्य कराए गए। ऐसी अनगिनत योजनाओं द्वारा मथुरा जिले में किया गया महत्वपूर्ण विकास अपने आप में एक उदाहरण है। अखिलेश यादव सरकार के कठोर परिश्रम द्वारा मात्र 4 वर्षों में मथुरा ने सफलता और उन्नति के नए आयाम छुए हैं।